जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एक साथ दो किताब 2-in-1 सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी। लेखक पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव। पुस्तक परिचय। सन 1956 ईस्वी से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार ई भी रामास्वामी नायकर, ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश ने लिखी व छापी। दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण ए टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन तमिलनाडु दोने सन 1951 ईस्वी में छापा। तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव अध्यक्ष अशोक पुस्तकालय रजिस्टर्ड ग्राम व पोस्ट झींझक जिला कानपुर उत्तर प्रदेश ने दिनांक 1 अक्टूबर 1968 ईस्वी को छापा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललित सिंह यादव ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय जस्टिस श्री के एन श्रीवास्तव व माननीय जस्टिस श्री हरिस्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट और रिस्पांडेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 ईस्वी को 3 दिन लगातार सुनी। माननीय जस्टिस श्री ए के कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 ईस्वी क्रिमिनल मिसनेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19 बी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनांक 19 जनवरी सन 1971 ईस्वी को बहुमत का निर्णय दिया कि एक गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। दो जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललई सिंह यादव को वापस की जाएं। तीन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह को 300 रुपए खर्चे के दिलाए जाएं। उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से जो रिजवाइंडर अर्थात प्रत्युत्तर किया गया था, पाठकों की विशेष मांग पर उसे सच्ची रामायण की चाबी के नाम से छापा गया है। दिनांक 9 दिसंबर 1971 रघुराज सिंह यादव। प्रथम संस्करण 25 मई 2013 बुद्धाब्द 2558। कॉपीराइट सिंबल सर्वाधिकार प्रकाशक। रचना सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी रचनाकार रामास्वामी पेरियार ललई सिंह यादव आवरण अमर विशारद। सहयोग राशि 50 रुपए। प्रकाश अंबेडकर प्रचार समिति, देव गली मोती कटरा, आगरा। अनुक्रम सच्ची रामायण। 1 परिचय। 2 प्रथम आवृत्ति पर ललई सिंह यादव के 2 शब्द। 3 भूमिका। 4 प्रस्तावना। 5 कथा प्रसंग। 6 दशरथ। 7 राम। 8 सीता। 9 अन्य जन। 10 रावण। 11 राम और सीता के चरित्र। सच्ची रामायण की चाबी। 1 रामायण व महाभारत काव्यों पर श्री जवाहरलाल नेहरू के विचार। 2 मुकदमों की सूची। 3 विनम्र निवेदन। 4 2 शब्द। 5 प्रत्येक आइटम का उत्तर निम्नांकित है। 6 परिशिष्ट। 7 निष्कर्ष। सच्ची रामायण की चाबी। लेखक ललई सिंह यादव। परिशिष्ट, स्पष्टीकरण,
विभिन्न पाठकों ने स्पष्टीकरण मांगे। उनमें से कुछ स्पष्टीकरण संक्षिप्त में लिखे जाते हैं। आइटम नंबर 5, सीता की जन्म कथा। एक जनकात्मजा सीता पौंचरित पर्व 26 के अनुसार जनक की विदेहा पत्नी के गर्भ से सीता और भामंडल बहिन व भाई जुड़वा पैदा हुए। भामंडल को पैदा होते ही एक देवता ने उठाकर किसी अन्य राजा के यहाँ छोड़ दिया। रामकथा अनुच्छेद 407। दो भूमिजा सीता वाल्मीकि रामायण बाल कांड सर्ग 66 के अनुसार राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि तैयार करने हेतु हल चला रहे थे। उन्हें भूमि में सीता मिली। वाल्मीकि रामायण को गौड़ीय 3-4 व पश्चिमोत्तरीय 3-2 पाठों के अनुसार हल जोतते समय जनक के आकाश में सुंदर मेनका नामक अप्सरा को देखा और मन में संतानार्थ उसके साथ संभोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। आकाशवाणी हुई कि मेनका के समान अति सुंदर एक पुत्री होगी। आगे बढ़कर तुरंत भूमि से सीता निकल पड़ी। पुनः आकाशवाणी हुई, मनकायाय समुत्पन्न कन्येय मानसी तव अर्थात मेनका से उत्पन्न वह कन्या तुम्हारी मानस पुत्री है। रामकथा अनुच्छेद 409। कृतिवास रामायण के अनुसार जनक किसी समय अति सुंदरी उर्वशी को देखकर काम पीड़ित हो गए। उनका वीर्य भूमि पर गिर पड़ा। पृथ्वी गर्भवती हो गई। बहुत समय बाद हल जोतते समय उन्हें पृथ्वी में एक डिंब मिला, उसमें से सीता निकली। नोट: यह प्रसंग पूर्णचंद्र दे, पूर्णचंद्र शील, ताराचंद दास, वंशवासी प्रेम व सुबोध चंद्र मजुमदार आदि के संस्करण में मिलता है। रामकथा अनुच्छेद 409। 3 रावण सीता वसुदेव हिंड के अनुसार मंदोदरी के शरीर का लक्ष्मण जानने वाले विद्वानों ने कहा, इसकी पहली संतान से कुल नाश हो जाएगा। रावण जो कि इस घटना को जानता था। मंदोदरी के पिता विद्याधर वंशीय राजा मय से मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात उत्पन्न प्रथम पुत्री को रावण ने रत्नों के साथ मंजुषा में बंद करके मंत्री को आदेश दिया कि इसे कहीं छोड़ दे। मंत्री ने इसे जनक के खेत में रख दिया, जो कि हल जोतते समय मिली। गुणभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार मारीच के अनुसार मारीच के जनक के राज्य में उस मंजुषा को गाड़ दिया था। पुराण अध्याय 42-62 के अनुसार मंदोदरी की पुत्री सीता अति सुंदर थी, जो बाद में जमीन से निकली। सीता मंदोदरी गर्भे संभूता चारुरूपिणी। क्षेत्रजा मन्याप्यस्य रावणस्य रघुत्तम। रामकथा अनुच्छेद 412। 4 पद्मजा सीता क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित्र के अनुसार एक जंगल के तालाब के किनारे रावण ने लिंग स्थापित किया। शिव के पूजन हेतु तालाब में कमल के फूल लेने गया तो उसे सोने के कमल पर एक कन्या दिखाई दी। उसे रावण ने पुत्री के रूप में ग्रहण कर मंदोदरी को दे दिया। कुछ दिन बाद नारद ने मंदोदरी से कहा, यह लड़की रावण का प्रेम पात्री बनेगी, कन्या भविष्यति अभिलाष भूमि चपलेंद्रस्य। यह सुनकर मंदोदरी ने उस कन्या को सोने की पेटी में बंद करवा कर किसी दूर देश में गड़वा दिया, जो जनक को हल जोतते समय मिली। रामकथा अनुच्छेद 418। वाल्मीकि रामायण उत्तर कांड सर्ग 17 के अनुसार बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या विष्णु को पति बनाने के लिए जंगल में तप कर रही थी। उसका अति सुंदर रूप देखकर उससे संभोग करने के लिए रावण पुष्पक विमान से नीचे उतरा। इनकार करने पर रावण ने वेदवती के सिर के बालों को पकड़ा। तपस्विनी वेदवती के हाथ ने तलवार की तरह बालों को काट दिया और अग्नि में जलकर मर गई। मैं अगले जन्म में तेरी मौत का कारण बनकर विष्णु सहित आऊंगी। वाल्मीकि रामायण टीकाकार गोविंद राज के अनुसार रावण ने कुछ दिन पश्चात एक दिन वेदवती को उसी जंगल में कमल के पत्ते पर कन्या के रूप में बैठे देखा। वह उस कन्या को लंका ले गया। लक्षण जानने वाले मंत्रियों ने कहा, हे रावण, यह कन्या आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण ने उसे समुद्र में बहा दिया, जो किसी व्यक्ति द्वारा जनक के पास पहुंच जाती है। रामकथा अनुच्छेद 419। नोट: श्लोक नंबर 33 के बाद के क्षेपक में उपरोक्त कथा लिखी है।
5 रक्तजा सीता अद्भुत रामायण के अनुसार रावण दिग्विजय के लिए निकला। दंडकारण्य के तपस्वियों ने धन की कमी के कारण करके कुछ खून की बूंदे एक पात्र में दी। गुत्समद ऋषि के मंत्र के प्रभाव से लक्ष्मी उस पात्र में मौजूद थी। रावण ने लंका में उस पात्र को मंदोदरी की सुरक्षा में रखवा दिया। रावण दूसरी विजय यात्रा में चला गया। मंदोदरी ने उसे पी लिया। वह गर्भवती हो गई। तीर्थयात्रा को निकली। मंदोदरी ने गर्भ गिराकर भ्रूण मांस का लोथड़ा कुरुक्षेत्र में गाड़ दिया, जो जनक को हल जोतते समय कन्या रूप में मिला। रामकथा अनुच्छेद 4:20। 6 अग्निजा सीता आनंद रामायण के अनुसार पद्माक्ष ने कठोर तपस्या द्वारा लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करके उसका नाम पद्मा आग में जल कर मर गई। कुछ दिन पश्चात उसे अग्निकुंड से निकलती हुई रावण ने देखा। पद्मा पुनः अग्निकुंड में कूद पड़ी। रावण अग्नि बुझाकर 5 रत्नयुक्त राख की ढेरी को एक पेटी में लेकर लंका में आया। वहां उसे कोई उठा न सका। खोलने पर कन्या निकली, जो मंदोदरी की सलाह से मिथिला में गाड़ दी गई। ब्राह्मण के शूद्र हलवाहे को पेटी मिली। शूद्र हलवाहे ने वह पेटी अपने मालिक ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण ने उसे जनक को दी। उस पेटी में जो कन्या निकली वही सीता है। रामकथा अनुच्छेद 422। 7 फलजा सीता ब्रह्मचक्र के अनुसार रावण की वाटिका में एक वृक्ष से कन्या उत्पन्न हुई। बाग के माली ने उसे रावण को दी। रावण को देखकर कन्या ने यक्षिणी का रूप धारण कर लिया। रावण ने उसे घड़ा में बंद करके समुद्र में बहा दिया। घड़ा समुद्र के किनारे वाले कन्नक नामक नगर के पास पहुंचा। एक तपस्वी ने उस नगर के निःसंतान राजा को यह भेद बता दिया। राजा ने उस घड़ा को निकाला। उनमें से कन्या निकली। वही सीता है। रामकथा अनुच्छेद 425। 8 दशरथात्मजा सीता बौद्ध ग्रंथ दशरथ जात खंड 4 के अनुसार राम लक्ष्मण तथा सीता दशरथ की रानी कौशल्या की संतानें हैं। उस रानी के मर जाने के बाद नई रानी कैकेयी से भरत नामक पुत्र पैदा हुआ। राम लक्ष्मण व सीता वनवास में भाई बहन के रूप में रहे। वनवास से लौटने पर राम व सीता का आपस में विवाह हुआ। रामकथा अनुच्छेद 51 व 427। नोट: दशरथ जातक में दशरथ को वाराणसी का राजा बताया गया है। 9 भाट की बेटी सीता भारतीय साहित्य आगरा वर्ष 2 अंक 3 पृष्ठ 74 के अनुसार व्रज के लोकगीतों में पाया जाता है कि सीता भाट की बेटी है। शिकार खेलते हुए राम सीता का परिचय प्राप्त कर अपने पिता दशरथ से सीता के पिता को पत्र लिखाते हैं। तब सीता का पिता कहलाता है, हम तो के भाट भिखारिया और तुम राजा महाराज, हम तुम्हें कैसे होएगी सजनी। रामकथा अनुच्छेद 407। 2 आयतम नंबर 22 लव कुश की जन्मक था। विभिन्न ग्रंथों से स्पष्ट है कि लव व कुश जुड़वा पैदा नहीं हुए, केवल लव पहले पैदा हुए। 3 आयतम नंबर 23 रावण को दिए गए श्रापों की कथा। पहले वाला श्राप दूसरी घटना के समय निष्फल सिद्ध हुआ। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि किसी पर किसी के श्राप का कोई असर नहीं होता है। घटना या घटनाएं अब जब समाप्त हो जाती है तब पुरानी श्राप वाली बात झूठी लिख दी जाती है। 4 आयतम नंबर 26 सीता चरित्र में जयंत की कथा। भारत के कमांडर इन चीफ को पुराने जमाने में इंद्र कहा जाता था। उस इंद्र का मनचला पुत्र जयंत था। जयंत अपने काम के लिए कौवा की भांति चतुर व चालाक था। जयंत कौवा नहीं था। वास्तविक कौवा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कभी भी जीवित व्यक्तियों का मांस खाता हुआ आज तक विदेशियों को कथाओं में भी नहीं देखा गया। वरना अब तक विश्व के करोड़ों कौवे विश्व के करोड़ों जीवित पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को खा जाते। सीता अपने द्वारा अपनी छाती लहूलुहान होने से बच सकती थी, नहीं बचाया। हिफाजत खुद इख्यारी, स्वयं रक्षा,
के अन्य अधिकारों का भी इस्तेमाल नहीं किया। सीता की लीला सीता ही जाने। पांच आइटम नंबर 26 सीता में सीता का लक्ष्मण को राम की मदद के लिए न जाने पर उनसे मार्मिक वचन कहना। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 40:27 में लक्ष्मण से कहा, राम से बिछुड़ कर मैं क्षण भी न जीऊंगी। क्षण और भी भाषा के दो शब्द ध्यान देने योग्य है। जो सीता क्षण भर भी राम से बिछुड़ कर नहीं जीवित रह सकती थी, वह लगभग एक वर्ष राम से बिछुड़ कर लंका में कैसे जीवित रही। इसमें सिद्ध है कि सीता की बात टिकाऊ नहीं थी। 6 आइटम नंबर 26 सीता चरित्र में जटायु की कथा। सीता को मददगार जटायु की रक्षा करना चाहिए थी। सीता ने उसकी रक्षा की कोई बात किसी ग्रंथ के अनुसार नहीं कही, बल्कि जटायु को मार डालने की तरकीब रावण को बताई। इससे स्पष्ट है कि सीता जानबूझकर रावण के साथ गई। 7 आइटम नंबर 35 रामचरित्र में अहिल्या की कथा। महाभारत से सिद्ध हो गया कि अहिल्या पत्थर बनकर मार्ग में नहीं पड़ी थी। वाल्मीकि रामायण जबरन अंधविश्वास की बात मानने के लिए बाध्य करती है। 8 आइटम नंबर 35 रामचरित्र में राम द्वारा पहाड़ों, नदियों, बेर, कुक्कुट, बगुला व गिलहरी आदि से सीता का पता पूछने की कथा। 1 वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 64 के अनुसार राम ने हिरण, पहाड़ व गोदावरी नदी आदि से सीता का पता पूछा। कहा है पहाड़, तू तेरी बात का उत्तर नहीं दे रहा, इसलिए मैं तुझे अपने बाणों की आग से जलाकर भस्म कर दूंगा। पुनः कहा लक्ष्मण, आज मैं गोदावरी नदी को सुखा दूंगा। यदि यह मुझे सीता का पता न बताएगी तो मैं ऐसा अवश्य करूंगा। ध्यान देने योग्य बात है कि जब पहाड़ को नहीं जलाया तथा गोदावरी नदी को क्यों नहीं सुखाया। स्पष्ट है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, केवल शब्दों की सजावट है। 2 बलरामदास रामायण के अनुसार से राम ने पंपा सरोवर के पास चकवा चकवी से संभोगरत अवस्था में सीता का पता पूछा। चक्रवाक ने निंदा करते हुए कहा, तुम इतना भी नहीं जानते कि इस समय बाधा डालना अनुचित है। राम ने श्राप दिया कि तुम दोनों का मिलन कभी नहीं होगा। चक्रवाक की प्रार्थना पर राम ने श्राप में संशोधन किया कि दिन में मिलन व रात में अलगाव रहेगा। रामकथा अनुच्छेद 474। 3 बलरामदास रामायण के अनुसार बगुला ने सीता का पता बताया। राम ने बगुला को वरदान दिया कि बरसात में तुम्हारी मादा तुम्हारे लिए भोजन इकट्ठा कर दिया करेगी। रामकथा अनुच्छेद 474। 4 बलरामदास रामायण के अनुसार कुक्कट मुर्गा ने कहा, रावण सीता को ले गया है। राम ने वरदान स्वरूप कहा कि तुम्हारे सिर पर सप्त शाखा लाल मुकुट रहेगा, जो तुमको मारेगा वह मेरा शत्रु होगा। नोट, इसीलिए संभवतः उड़ीसा में कुक्कुट को राम पक्षी कहते हैं। रामकथा अनुच्छेद 474। 5 एमसी मित्र जर्नल डिपार्टमेंट ऑफ लेटर्स कलकत्ता भाग 4 पृष्ठ 303-304 के अनुसार मुंडा व विजेड जाति की राम कथाओं के अनुसार सीता की खोज में जब बगुला ने राम की सहायता करना अस्वीकार कर दिया, तब राम ने दंड स्वरूप उसकी गर्दन खींच कर लंबी कर दी। बेर वृक्ष ने सीता की साड़ी के टुकड़े दिए। राम ने उसे अमरत्व का वरदान दिया। गिलहरी ने सीता के जाने का रास्ता बताया। राम ने उसकी पीठ पर 3 रेखाएं खींच दी। रामकथा अनुच्छेद 273। 6 सेरी राम के अनुसार राम ने पुरस्कार स्वरूप बगुला की गर्दन लंबी कर दी। रामकथा अनुच्छेद 474। 7 सन्यासी रामकथा के अनुसार राम ने गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बना दी और कहा कि चाहे कितनी ऊंची जगह से गिरे चोट नहीं लगेगी। रामकथा अनुच्छेद 474। 8 आइटम नंबर 26 में हनुमान चरित्र की विशेष कथा। 1 हनुमान बानर क्षेत्रीय आदिवासी थे। द्रविड़ भाषा का शब्द है आणमति, आण नर व मति कपि, जिसका अर्थ है नर कपि।
रामकथा अनुच्छेद 103-711। दो पहले नाम कुछ और था, जब हनुमान पहाड़ पर से गिरे तब इनकी हनु थोड़ी टेढ़ी हो गई, तब इंद्र ने इनका नाम हनुमान रखा। रामकथा अनुच्छेद 711। तीन गुणभद्र के उत्तर पुराण पर्व 668-280 के अनुसार हनुमान अपना शरीर अनु के समान छोटा बना सकते थे, इसलिए नाम अनुमान पड़ा। रामकथा अनुच्छेद 711। चार वाल्मीकि रामायण उत्तर कांड सर्ग 35 के अनुसार केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे। इनकी पत्नी अंजनी के गर्भ में वायु ने शंकर के वीर्य से हनुमान को पैदा किया। पैदा होते ही हनुमान सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए दौड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण था। राहु ने समझा मेरा आहार समाप्त हुआ जाता है। उसने इंद्र से फरियाद की। इंद्र ने हनुमान को वज्र मारा। इस वज्र की चोट से हनुमान की बाई हनु टूट गई। इंद्र ने हनुमान नाम रखा। पांच वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 के अनुसार सुमेरु पर्वत के राजा केसरी की पत्नी अंजनी के साथ वायु ने जंगल में संभोग किया। इस प्रकार हनुमान पैदा हुए। 6 पुनः सर्ग 67-32 के अनुसार हनुमान को केसरी व वायु का पुत्र कहा गया है। 7 मेकानिफ की सिख रिलीजन भाग 6 पृष्ठ 52 के अनुसार गौतम ने गंगा स्नान से वापस आकर अपनी लड़की अंजनी से इंद्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? बेटी अंजनी ने उत्तर दिया, माजार अर्थात माजार या माकाजार। इस दो अर्थ वाली बात अर्थात मारजार का मतलब है बिल्ली व माता का यार प्रेमी को सुनकर गौतम ने अपनी पुत्री को गर्भवती हो जाने का श्राप दिया। रामकथा अनुच्छेद 347। 8 ई एंड होवेन फोकलोर ऑफ गुजरात इंडियन एंटीकचेरी भाग 40 सप्लीमेंट पृष्ठ 51 के अनुसार उपरोक्त श्राप के कारण शिव से वरदान पाने के लिए अंजनी तपस्या करने लगी। शिव की आज्ञा से नारद ने अंजनी के कान में मंत्र दिया। अंजनी गर्भवती हो गई और हनुमान को जन्म दिया। रामकथा अनुच्छेद 672। 9 भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर्व चतुर्थ खंड 10-31-36 के अनुसार गौतमी की पुत्री का नाम अंजनी है, पति का नाम केसरी है। शिव ने रुद्र तेज के रूप में केसरी में प्रवेश किया। केसरी ने अंजनी के साथ रमण किया। इतने में वायु ने भी केसरी के शरीर में प्रविष्ट होकर अंजनी के साथ रमण किया। अंजनी गर्भवती होकर हनुमान को जन्म दिया। रामकथा अनुच्छेद 673। 10 रामकथा अनुच्छेद 673 के अनुसार एक ऋषि ने कहा, इस समीपी स्वच्छ जल वाले तालाब में स्नान करने वाला व्यक्ति पशु बन जाता है और उस पंक्ति जल वाले तालाब में नहाने से पुनः आदमी बन जाता है। राम व सीता ने एक दिन स्वच्छ जल व तालाब में स्नान किया। दोनों वानर व वानरी बन गए, संभोग किया। वानरी रूप सीता गर्भवती हो गई। लक्ष्मण ने दोनों को फांसकर पंकित जल वाले तालाब में डुबो दिया। वे पुनः राम व सीता बन गए। राम ने सीता का भ्रूण अर्थात मांस का लोथड़ा निकाल लिया। वायु ने सुई की नोक पर रखकर अंजनी के मुख में रख दिया। अंजनी गर्भवती हो गई। हनुमान कुंडल पहने पैदा हुए। 11 सेरी राम के अनुसार राम अंजनी को देखकर मोहित हो गए। उनका वीर्य पतन हो गया। राम ने उसे दोना रखकर वायु के द्वारा अंजनी के मुख में रखवा दिया। अंजनी गर्भवती हुई। हनुमान पैदा हुए जो राम पुत्र कहलाए। रामकथा अनुच्छेद 675। 12 विजेर राम कथा के अनुसार सीता हरण के बाद अंजनी के गर्भ में से ही राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान चिल्ला उठे, दादा रुकिए, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। हनुमान ने जन्म लिया। राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में चल दिए। राम कथा अनुच्छेद 512। 13 वाल्मीकि रामायण उत्तर कांड सर्ग 36-45 के अनुसार हनुमान ने सूर्य के सामने उल्टे उल्टे चलकर काव्याकरण विद्या पढ़ी।
14 महानाटक अंक 14 के अनुसार वाल्मीकि ने लिखा कि रावण के बाणों की मार से राम के शरीर से खून की बूंदें निकली। हनुमान ने कहा कि मैंने नहीं देखी। दोनों आपस में झगड़ते हुए राम के पास गए। राम ने कहा, वाल्मीकि का कथन सत्य है। राम हनुमान से कहकर हनुमान द्वारा पत्थर की शिलाओं पर लिखी हुई रामायण को वाल्मीकि के अनुरोध पर समुद्र में फिकवा दी। राजा भोज ने उसे निकालकर पंडित दामोदर मिश्र द्वारा संपादन कराया। रामकथा अनुच्छेद 6-15 रामकीन अध्याय 33 के अनुसार हनुमान ने सीता की खोज करते समय हिंदुस्तान के दक्षिणी पर्वतीय भाग की गुफा में प्रवेश करते ही पुष्पमानी अर्थात स्वयंप्रभा के संभोग किया, उसके बाद उसे स्वर्ग भेज दिया। रामकथा अनुच्छेद 526। 16 पौंचरीय पर्व 52 के अनुसार लंका में प्रवेश करते समय हनुमान ने व्रजमुख का वध करके उसकी पुत्री लंका सुंदरी से युद्ध किया। अंत में दोनों एक दूसरे पर मोहित होकर रात भर प्रेम कीड़ा करते हैं। रामकथा अनुच्छेद 536। 17 मैरावण चरित्रम अध्याय 10 के अनुसार लंका दहन के बाद समुद्र में स्नान का पसीना मछली ने निकल लिया। मछली गर्भवती हो गई। मछली के पुत्र का नाम मत्सराज है। रामकथा अनुच्छेद 696। 18 श्री राम पातानी पाठ के अनुसार मछलियां अपनी रानी की आज्ञा अनुसार पुल नष्ट करने लगी। हनुमान ने रानी के पास जाकर पुल बंधवाया। रानी के पति की गैरहाजिरी में उससे करके एक पुत्र उत्पन्न किया। रामकथा अनुच्छेद 578। 19 रामकीन अध्याय 26 के अनुसार रावण ने अपनी नाग कथा स्वर्ण मच्छा को पुल नष्ट करने के लिए भेजा। वह अपनी सेना से पुल नष्ट करने लगी। हनुमान स्वर्णमच्छा के पास लाए, उससे पुल बंधवाया, उसके साथ संभोग करके मच्छानु नामक पुत्र उत्पन्न किया। रामकथा अनुच्छेद 578। 20 रामकीन अध्याय 25 के अनुसार रावण की आज्ञा से विभीषण की पुत्री बेंजकाया सीता का रूप बनाकर मृतवत बहती हुई राम ने समुद्र में देखी। विभीषण द्वारा पहचानी जाने पर राम ने हनुमान के साथ उसे लाने भेज दिया। रास्ते में हनुमान ने बेंजकाया को लुभाकर उसके साथ संभोग करके असुराफद नामक पुत्र उत्पन्न किया। रामकथा अनुच्छेद 579। 21 रामकीन के अनुसार अप्सरा श्राप वश वानरी बन गई थी। हनुमान ने उनके साथ संभोग किया और उसकी सहायता से विरूचों का वध किया। रामकथा अनुच्छेद 613। 22 रामकीन अध्याय 34 के अनुसार जिस समय रावण अपने भाई को जगाने के उद्देश्य से यज्ञ कर रहा था, उस समय हनुमान ने रावण का भेष बनाकर मंदोदरी के साथ संभोग किया। यज्ञ असफल हुआ।